ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, अभी भी एक न्यूज़ आ रही है, इंडिया ने जो है 370 से भी ज़्यादा यानी 371 जो चाइनीज़ गुड्स होते हैं उनको जो है उनकी जो सब क्वालिटीज़ वाले प्रोडक्ट हैं उन पर जो है रोक लगाने के लिए एक कदम ले लिया है। तो फ्रेंड, हालांकि माने देखा जाए तो इंडिया जो है बहुत पहले से ऐसा करना चाहता था, लेकिन अभी ऐसा करना जो है उसका अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव जो है इंडिया ने लिए हैं। हमें पता है कि कुछ दिन पहले जो है चाइनीज़ एप्लीकेशन बंद हुई हैं और अभी कुछ दिन पहले जो है देखा हमने, परसों मैंने आपको बताया था कि 250 से प्लस एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से जो है उन पर सर्वेलेंस हो रहा है। ठीक है, तो मे बी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएँ जो चाइना के अगेंस्ट हों। ओके, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि चाइना के अगेंस्ट हो, इससे एक और सोच निकलती है जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे लिए बनाया गया है उसके लिए सपोर्ट करना। देखिए, अगर हम बाहर के प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे तो जो आत्मनिर्भर वाला प्रोडक्ट है, जो हमारा वोकल यानी लोकल वाला प्रोडक्ट है, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जितनी चाइनीज़ गुड्स आते हैं या प्रोडक्ट आते हैं उन पर थोड़ा सा हम उनकी क्वालिटीज़ जो हैं हम उनकी क्वालिटीज़ जो हैं अच्छी चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे प्रोडक्ट जो है चाइना के आते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ जो हैं अच्छी नहीं होती। काफ़ी टाइम जो है हमने देखा है कि भाई उनकी क्वालिटी जो है इतनी बेकार होती है कई बार कि हम उनको लेते भी नहीं। चाइना प्रोडक्ट हम कहते भी हैं कि चाइना प्रोडक्ट है, चाइना प्रोडक्ट का मतलब हमारे यहाँ मन में दिमाग में ये होता है कि वो चाइना प्रोडक्ट है यानी कि वो ख़राब प्रोडक्ट है। ओके, तो इसी चीज़ पर हम वीडियो देखने वाले आगे कि भाई इंडिया ने जो है 371 चाइनीज़ गुड्स को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया है, क्या इस कौन कौन से गुड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो है न्यूज़ छापी थी, आई ऑफ चाइना क्वालिटी कर्व्स ऑन 370 आइटम्स। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट मॉल्स इंपोर्ट कर्व्स ऑन ओवर 370 चाइनीज गुड्स आफ्टर ऐप क्रैकडाउन। तो देखिए ये 370 लिखा है लेकिन अभी 371 जो एप्लीकेशन जो है वो एक्चुअल में हो गई, आप जाकर देखेंगे पीआई पे 371 है, नॉट 370। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये इंडिया टुडे ने लिखा है, ये हेडलाइन थी इंडिया टुडे की। देखिए, तो आगे बात करेंगे क्या है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में पहली बात बता दूँ, देखिए जो हमारी देखिए मैंने कहा था 371 है, जैसे कि ठीक है 371 आइटम्स जो है उनको जो है ऐसा कहा गया कि जो सब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक ब्यूरो है जिसको कहते हैं BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि इंडिया की जितने प्रोडक्ट होते हैं या इंडिया में जितने प्रोडक्ट आते हैं उनकी देखरेख करना, क्या इसका स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी है या उसकी बेकार है। ठीक है, तो ऑन मंडे सेड इट इज़ फार्मिंग मैंडेटरी क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर 370 आइटम आइडेंटिफाई बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो एक कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि हमने 371 जो है आइटम आइडेंटिफाई की हैं जो सब क्वालिटी के हैं। ओके, कैसे सब क्वालिटी के हैं, मोस्ट ऑफ आइटम आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो मैक्सिमम जो आइटम होते हैं वो चाइना से ख़रीदे जाते हैं। ठीक है, तो साफ साफ बात है कि चाइना की बात हो रही है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर हमने बात करी। अब इसकी आगे बात करें, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑलमोस्ट 371 कैटेगरीज ऑफ आइटम अंडर द मैंडेटरी इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसकी बात करें, रिजिम वाई मार्च 2020। ओके, द आइटम इंक्लूड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय पेपर ग्लास रबर आर्टिकल हैवी मशीनरी आर्टिलरी जो वगैरह होती है। ठीक है, स्टील वार्स एंड स्टील ट्यूब्स। ठीक है, तो ये सारी जो आइटम है मैक्सिमम आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल या फिर कहीं छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, हम बात करें टॉय की या हम बात करें पेपर की या हम बात करें रबर की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं चाइना से इम्पोर्ट की जाती हैं और ये इनकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैक्सिमम इंडिया में जो बिकते हैं वो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इन पर जो रोक लगाने के लिए और आत्मनिर्भर जो है आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको जो है इस इनिशिएटिव को लिया जा रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द आइटम दैट इंडिया प्लान टू ब्रिंग अंडर इट्स क्वालिटी कर्व्स रेगिम आर largely imported from China. The move will put a curb on the import of such substandard items. Okay, the selected item were identified by the
कॉमर्स मिनिस्ट्री लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो है कुछ जो है आइटम इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किए। हाउ द प्रोसेस हैज़ गेंड पेस पीस रिसेंटली विद द इंडियाज इंक्रीजिंग फोकस ऑन इट्स आत्मनिर्भर भारत, जिसकी मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को पर फोकस करना ही जो है इनका मेन रीज़न है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो ऐसा इनिशिएटिव जो है यहाँ पर लिया है, विच इंक्लूड रिड्यूसिंग इंपोर्ट एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, यानी कि हम जो है निर्यात कम करेंगे, आयात ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ऐसे जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी। अगर आत्मनिर्भर भारत आपको अच्छे उसकी स्टार्टअप चाहिए, तो आपको सबसे पहले जो है जो ख़राब प्रोडक्ट आ रहे हैं, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी देश से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एकदम से उसका बंद कर दें। हम ये चाहते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ख़राब प्रोडक्ट आ रहा है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन पर रोक लगा दी जाए, जिससे कि अच्छे प्रोडक्ट भी आएंगे और हमारे वहाँ से भी अच्छे प्रोडक्ट जो है इसके लिए कॉम्पिटिटिव होगा। ओके, तो हाइलाइट्स क्या थी इसकी, द यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैज़ आइडेंटिफाई 370 इंपोर्टेड आइटम द इंक्लूड चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, द मिनिस्ट्री विल नाउ फॉर्म द मॉनेटरी स्टैंडर्ड फॉर दीज आइटम। द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर राम विलास पासवान हैज़ लॉन्च टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वेबसाइट। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड जो है ब्यूरो जो वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। देखिए क्या होता है कि 371 जो आइटम आइडेंटिफाई की हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए भेज दी गए हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड की क्वालिटी को चेक करने के लिए। ओके, और इसका जो रिपोर्ट बनेगी वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इसका मॉनिटरिंग करेगी। ठीक है, ओके, द कंसर्न मिनिस्टर विल नाउ आइडेंटिफाई द इंपोर्ट आइटम फ्रॉम द इट्स लेट्स गिवन बाय द कॉमर्स मिनिस्टर। दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर मार्केटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड कॉलम में लिखा है द नॉर्म्स विल बी प्लेस बाय डिसम्बर फॉर मोस्ट प्रोडक्ट आर एंड फॉर द रिमेनिंग इट विल कम इन टू द फोर्स एंड बाई मार्च 2020। तो डेडलाइन भी इन्होंने दे दी है कि मार्च की 21 में जो होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होंगे सब क्वालिटी के वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। द स्टैंडर्ड विल हाउएवर नॉट अप्लाई फॉर सर्टेन आइटम दैट आर इम्पोर्टेड इन लेस क्वालिटीज। ठीक है, यानी कि जो सब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है। ओके, हिंदी में बात कर लेते हैं, कुछ आपको अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात है, चीन के निर्यात पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है। ठीक है, ये जो जो कदम है, जितनी गुणवत्ता भारतीय मानकों के अनुसार सही नहीं होती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जो है अभियान को सफल बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस पहल के तहत सरकार जरूरी आयात को रोकने और निर्यात बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने इस संबंध में बताया है कि 371 प्रोडक्ट की जो है इंडियन स्टैंडर्ड पर जांच होगी, वे सभी चाइनीज़ हैं, इन सभी को भारतीय मानकों पर खरा उतरना होगा, यानी कि सही से उनकी जांच करेंगे, तो अगर अच्छा निकलेगा तभी इनको जो है एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए सरकारी पोर्ट कंडला जो है JNPT और कोच्ची में व्यवस्था की जा रही है। प्रमोद कुमार तिवारी ने इनका बताया कि इस काम के लिए समय सीमा दिसंबर तक की गई है। इसकी जो है समय सीमा जो है दिसंबर तक तय कर दी गई है। जो बच्चे रहेंगे जाएंगे उनके जो समय सीमा रहेगी वो मार्च 2021 तक रहेगी। सरकार यह कदम संभवतः चीन से कम आयात करने के लिए उठा रही है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ जो है ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो आए वो या तो अच्छे आए या फिर हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो पोर्टल है या कहें आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम हमने चलाया, इनिशिएटिव चलाया वो आगे बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, सजेशन देना है तो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।